ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य रख रहे हैं, पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो मैं सुनो, हिंदी साहित्य की क्लास में ये प्रश्न है, एक बच्चे ने पूछा, मैंने उसका उत्तर क्या दिया, मैं आपको वही उत्तर दे देता हूँ, क्लास में भी ये उत्तर दिया है, बैठो तो सही। तो ऐसे एक बच्चे ने पूछा कि सर हिंदी साहित्य कभी पढ़ा नहीं है तो क्या करें। तो मैंने एक संगीतकार की कहानी सुनाई कि एक संगीतकार था, एक बच्चा उसके पास गया कि मुझे संगीत सीखना है, कितना टाइम लगेगा? उसने कहा 12 महीने, नहीं 6 महीने। फिर उसने कहा देखिए थोड़ा बहुत संगीत मुझे आता है, मैंने बचपन से हारमोनियम पे हाथ साफ किया है, बांसुरी भी बजाई है, तो थोड़ा बहुत आता है। अब कितना समय? बोला 12 महीने। बोले अजीब हाल है, मेरे तो बैकग्राउंड भी है। बोले 6 महीने उसको साफ करना पड़ेगा, फिर 6 महीने पढ़ाएंगे। तो देखो जिनको बैकग्राउंड है और जिनको बैकग्राउंड नहीं है, दरअसल वो लगभग बराबर है, बस बैकग्राउंड वाले को कॉन्फिडेंस है कि बैकग्राउंड है, जबकि है कुछ नहीं। तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म भी तो करना है पहले, कि वो मिथ्या आत्मविश्वास से ना भरा रहे, जमीन पे आए पहले, फिर शुरू करे जीरो से। इसलिए हिंदी साहित्य एकदम आसान ऑप्शन है, कुछ है ही नहीं उसमें यार। इस बार जो 3-4 लोग बता रहा हूँ टॉप करने वाले ना, उनमें लगभग सबका वही है। और मैं अगली बार रिजल्ट आने दो, मैं नाम बोलने से बच रहा हूँ, यहीं आके बताऊंगा पूरी कहानी।